यादव परिवार में एक बार फिर तनातनी। छोटी बहू अपर्णा ने फिर बीएसपी से गठबंधन के फैसले पर उठाया सवाल। अपर्णा यादव लगातार दिखाई दे रही हैं सक्रिय, कभी मायावती पर साधती हैं निशाना तो कभी गठबंधन पर उठाती हैं सवाल। नेताजी मुलायम सिंह की तबीयत पहले से बेहतर, अब नॉर्मल हो रही है दिनचर्या। हाई शुगर लेवल और यूरिन की समस्या से परेशान है नेताजी। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, सेना के प्रस्तावों में ना हो जरा भी विलम्ब, अगर हुई लापरवाही तो होगी कार्रवाई। वाराणसी में 6 जुलाई को बीजेपी के देशव्यापी सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तैयारियां शुरू। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में डाला। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सहारनपुर दौरा, करेंगे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा। उत्तर प्रदेश में परखा जा रहा हवा का रुख, यूपी के उपचुनावों में गूंजेगा पलायन का मुद्दा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हर क्षेत्र की तरह आपदा प्रबंधन में भी भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनेगा। G20 समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापानी विदेश मंत्री तारो कोनो के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक वार्ता। G20 समिट में जापान के ओसाका में ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में 6 माह के लिए बड़ा राष्ट्रपति शासन, कांग्रेस ने उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित, सदस्यों ने दी बधाई। कल इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत, 3 बजे खेला जाएगा मैच, इंग्लैंड को सेमीफाइनल से आउट करने की होगी कोशिश। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर हुई 4 देशों की टीमें, रोचक मुकाबले पर पहुंचा मुकाबला, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका हुए बाहर। सुनील शेट्टी की बेटी आतिया शेट्टी को डेट कर रहे हैं केएल राहुल, वर्ल्ड कप के बीच आई खबर। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक का दावा, हार्दिक पांड्या को 2 हफ्ते में बना सकता हूं बेस्ट ऑलराउंडर। मोहम्मद शमी ने बनाया कोर्टेल का मजाक, विकेट लेने के बाद सलाम करते थे कोर्टेल भारत के साथ मैच में, जब कोर्टेल हुए आउट तो शमी ने उन्हीं के अंदाज में सैल्यूट कर बनाया मजाक।